आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द बैट मेकिंग. इसमें जो प्रोसेस कंप्लीट है कैसे स्टार्ट किया जाता है. जैसे इसमें मेन स्टेप होता है, हमारे पास जो है टिम्बर आता है. जैसे लॉग ऑफ वुड्स आप देख सकते हो वहाँ से, दिस इज द लॉग ऑफ वुड जो हम रिसीव करते हैं कश्मीर के डिफरेंट पार्ट्स से, राइट. इसके बाद इन्हीं लॉग्स को हम क्लेफ्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. बैंडसॉ मिल पे इनको शेप दी जाती है. उसके बाद जो क्लेफ्ट है उसकी शेप हम आपको दिखाएंगे. दीज आर द क्लेफ्ट्स, ये इसकी शेप है. उसके बाद इस क्लेफ्ट को प्रॉपर साइज दिया जाता है. इसको चूक मशीन कहा जाता है. तो ये वी शेप इस पे दी जाती है इस मशीन को. इसी तरह हैंडल को भी यही शेप दी जाती है सेम मशीन पे. तो इसका हैंडल को इसमें फिट किया जाता है इसको. उसके बाद जैसे ये हमारे बैट्स हैं, दे आर रेडी. इनको प्रेस हो चुकी है, इन पर प्रेसिंग हमने डन कर ली है. प्रेसिंग के बाद इनको फाइनल जो है नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें शेप दी जाती है. हमने इंट्रोड्यूस बीपीएल में भी किया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, टू हाईलाइट द कश्मीर, टू प्रमोट आवर कश्मीर एट दैट लेवल एज वेल. एंड वी आर रजिस्टर्ड बाय द नेम कश्मीर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इन मीरत एंड खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इन कश्मीर. सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वी हैव पुट कश्मीर ऑन द बैक ऑफ दिस बैट. हैमर को हम नॉक या पंच चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं. लाइक यू कैन हैव अ लुक. वी नीड टू चेक व्हाट काइंड ऑफ द साउंड अ बैट इज गिविंग. आई कैन चेक इट हियर.